Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about macronutrients. So let's start. Macronutrients are essential for proper body functioning. जो macronutrients होते हैं वो proper body functioning के लिए essential होते हैं. The body requires large amount of macronutrients on daily basis. जो body होती है वो अपने physiological activities को perform करने के लिए इन macronutrients की demand करती है through food sources. All macronutrients must be obtained through diet because the body cannot produce these macronutrients on its own. ये जो macronutrients होते हैं ये body खुद नहीं बना सकती है, इसके लिए body की physiological activities को perform कराने के लिए या function जो भी होते हैं उनको proper तरीके से perform कराने के लिए इन macronutrients की need होती है. These are three macronutrients. So बॉडी को जो डेली नीड होती है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो स्केलेटल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो स्मूथ मसल की एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हों, इन सब को प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए मेनली थ्री टाइप्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन एंड थर्ड वन इज़ फैट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. सो वॉट इज़ कार्बोहाइड्रेट? So these are the neutral compounds of carbon, hydrogen and oxygen molecule in the form of sugar, starches and cellulose. So सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ. कार्बोहाइड्रेट को अगर हम तोड़ेंगे इस वर्ड को तो क्या निकलेगा हमारे पास? एक कार्ब, दूसरा बीच में है ओ और तीसरा है हाइड्रेट्स. मीन क्या हुआ? कार्ब हम कंसीडर करते हैं कार्बन के लिए, ओ जो बीच में लगा हुआ है उसको कंसीडर करते हैं एज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड हाइड्रेट ऑब्वियसली सी बात है हाइड्रोजन आयंस के लिए. सो ये जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्रीली फॉर्म में अटैच रहता है एक सिंगल चेन में, दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली शुगर, स्टार्चेस और सेलुलोज की फॉर्म में पाए जाते हैं थ्रू फूड सोर्सेज, मोस्ट ऑफ विच आर फॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स. जो फूड सोर्सेज होते हैं वो या तो हमें ग्रीन प्लांट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं. सो इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी? सो द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म द सेलुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जो सेलुलर फंक्शन होते हैं बॉडी के, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के थ्रू. सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और वर्किंग मसल के लिए. दे ऑल्सो प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बींग यूज एज एन एनर्जी सोर्स एंड इनेबल फैट मेटाबोलिज्म. स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर रोल होता है वो ये होता है कि ये प्रोटीन को एनर्जी की तरह यूज़ होने से रोकते हैं. बिकॉज प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी होता है? प्रोटीन ज़रूरी होता है जो सेलुलर ग्रोथ होती है, सेल के डेवलपमेंट के लिए. अगर वो प्रोटीन ये एनर्जी के तौर पे यूज़ हो जाएगा तो बॉडी का डेवलपमेंट रुक सकता है. इस वजह से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये खुद का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट और बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके सिलेबस में है फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो उसके लिए हम स्टडी करते हैं और जानते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट इनटू टू स्टेप्स. जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो बॉडी में दो तरह से होता है. फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल प्रोसेस एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रोसेस. द मैकेनिकल प्रोसेस जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, जो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मैंने पहले भी बताया हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो मेनली होता है सबसे पहले माउथ में, आपकी ओरल कैविटी में, जिसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि आपके टीथ, टंग. तो इसमें क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों से च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट किए जाते हैं. और इसी प्रोसेस में क्या होता है, एक
एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज जो आपकी सलाइविया में पाया जाता है, वो इस फूड पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो जाता है और बोलस बनाता है। दूसरी प्रोसेस ऑब्वियसली बात है केमिकल प्रोसेस, जिसमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, आपके इसोफेगस से जब आगे बढ़ते हैं स्टमक एरिया में और ड्यूडनम एरिया में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होती है, या कार्बोहाइड्रेट का जो इनिशिएटिव प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या होती है। सो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनिशिएट्स विद ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विद अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है या डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो तरह तरह की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिसके थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। बिकॉज बॉडी जो है, जो आप फूड सोर्सेस कंज्यूम करते हैं उनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती है, उसको यूटिलाइज करने के लिए पहले ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और शुगर्स या सिंपल शुगर में तोड़ना होता है, जिसके लिए ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पूरा एक्ट परफॉर्म करती है। सो हियर इज़ द डायग्राम ऑल्सो आई प्रोवाइडेड टू यू, आई होप कि ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में फर्स्टली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डाइट्री कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, जो हम फूड सोर्सेज के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। ये डाइट्री कार्बोहाइड्रेट का जो इनिशिएटिव पॉइंट होता है, जैसे कि आपकी ओरल कैविटी, यहाँ पर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट जब होता है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम होता है आपकी सलाइवा में, जिसे बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल में एक तो कन्वर्ट करता है, दूसरी चीज़ क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पार्शियली डाइजेशन होता है या इनिशियल लेवल का डाइजेशन होता है वो इसी एमाइलेज के थ्रू हो जाता है। या ये करता कैसे है, ये फर्स्टली आपको ये जानना होगा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एक तरह की शुगर चेन होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी शुगर चेन जिन्हें बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो ये करता क्या है, अल्फा एमाइलेज इन पॉलीसेक्राइड्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, और फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद जो उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं उनको अभी नहीं तोड़ता है, उनको तोड़ने के लिए एक अलग साइट होती है, जैसे कि आपका स्टमक। जब फूड आपका स्टमक में या जो कार्बोहाइड्रेट आपने कंज्यूम किया है जब स्टमक रीजन में पहुंचता है तो क्या होता है कि वहां पर होता है HCl। स्टमक में क्या होता है, HCl। HCl क्या करता है, वो इस एमाइलेज के एक्टिविटी को कम करता है या इस अल्फा एमाइलेज को डीएक्टिवेट करता है, ताकि उस पर जो फर्दर एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो हो सकें। तो आगे क्या होता है कि जब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में पहुंचता है तो वहाँ पर दो तरह के एंजाइम्स इससे इंटरफेस करते हैं। फर्स्ट इज पैंक्रियाटिक एंजाइम, या जिसे आप पैंक्रियाटिक जूस बोल सकते हैं, और दूसरा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे आप बाइल बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं कि इन पॉलीसेक्राइड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज को जो होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और फर्दर इन पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं। अब जब फूड आपका या जो ये कार्बोहाइड्रेट जो आपने कंज्यूम किया है जब आपका ड्यूडनम में पहुंच चुका है, तो वहां पर ड्यूडनम में ऑलरेडी होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम जो होते हैं, जो फर्दर आपका डिसोसिएशन हुआ है शुगर्स का, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का फर्दर डिसोसिएशन करते हैं। इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर पार्शली डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी। जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरल कैविटी के अंदर ही हो जाता है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ अल्फा एमाइलेज। उसके आगे जब ये बता है फूड या जो आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया हुआ है, आफ्टर दिस पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर रीचेस इन द स्टमक। जो अभी आपने आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया कि जब स्टमक में फूड आपका पहुंचता है तो क्या होता है, ये अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी को कम करता है। कौन कम करता है, वहाँ पर जो HCl एसिड प्रेजेंट होता है, जो मैं आपको बॉन्ड बता रहा था उसका नाम होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये उसको भी डिसॉल्व कर देता है।
साथ में अब क्या होता है, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स आर रीचेज इन द ड्यूडनम इट इंटरैक्ट विद द पैंक्रियाटिक एमाइलेज। जब कार्बोहाइड्रेट आपका ड्यूडनम रीजन में पहुंचता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में पहुंचता है, तो वहां ये इंटरैक्ट करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज के साथ। दिस पैंक्रियाटिक एमाइलेज प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट इट इंटू फ्रेगमेंट्स ऑफ सिंपल सिंगल शुगर मॉलिक्यूल सच एज माल्टोज सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज के एक्शन के रिजल्ट में क्या करता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, और इसके बाद ये जो पॉलीसेक्राइड्स थे इनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज। अब इसी ड्यूडनम रीजन में मैंने बताया कि कुछ और भी एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माल्टेज सुक्रेज एंड लैक्टेज। ये क्या करते हैं, इन डाईसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दीज एंजाइम एक्ट ऑन दिस सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर सच एज, देखिए डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है, माल्टोज पर माल्टेज अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा है और इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बना रहा है माल्टोज के ऊपर। माल्टेज एंजाइम एक्ट परफॉर्म करने के बाद ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बना रहा है। इसके बाद जो दूसरा आपके मोनोसैक्राइड है जैसे कि सुक्रोज, उसके ऊपर जो ड्यूडम में ऑलरेडी एंजाइम प्रेजेंट है सुक्रेज, ये भी इसको तोड़ रहा है और एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल दे रहा है। थर्ड वन क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज किसकी एक्टिविटी के थ्रू टूट रहा है, लैक्टेज। ये लैक्टेज भी जो है ये एंजाइम है आपका ड्यूडनम में ये ऑलरेडी तीन तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ रहा है। आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि माल्टोज की एक्टिविटी के थ्रू ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट रहा है, सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है, लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है। सो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं, द ग्लूकोज इज एक्ट एज प्राइमरी सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जो बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके लिए ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है या ग्लूकोज शुगर होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि फर्दर सेलुलर एब्जॉर्प्शन में ATP में कन्वर्ट होती है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मीन कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होता है या उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं, दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो ग्लूकोज कंज्यूम किया या जो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड जो अभी बना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में घुलता है। फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लूकोज एंटर्स इन द ड्यूडनम थ्रू सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। एक जो ल्यूमेन होती है ड्यूडनम की या जो ड्यूडनम की वॉल होती है उसके ऊपर एक चैनल होता है या जिसे गेट बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसके थ्रू ये जो ग्लूकोज होता है ये ल्यूमेन में एंटर करता है, किसकी, ड्यूडनम की ल्यूमेन में, और इसके साथ ही एस रिजल्ट क्या होता है कि एक जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है सोडियम आयन वो भी इसके साथ सेल के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ देखिए मैंने दो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज सोडियम आयन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है SGLT और दूसरा है सोडियम इनडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है GLUT। SGLT मतलब सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये दोनों एक तरह के प्रोटीन होते हैं और दूसरा वाला जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, द रिटेन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्दर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड ब्लड वेसल थ्रू ग्लू टू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल प्रेजेंट ऑन द वेसल सरफेस ऑफ द ल्यूमन ऑफ ड्यूडनम। सो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था या ग्लूकोज शुगर था या जो मोनोसेक्राइड जिसे हम बोल रहे थे वो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के थ्रू अंदर आया, किसमें, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर आया। उसके एज रिजल्ट क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन उस ल्यूमेन पे ऑलरेडी मौजूद थे आउटसाइड में,
वो उससे एक सोडियम आयन भी ड्यूडनम के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है कि एक सोडियम आयन का तो कोई काम नहीं है, तो सोडियम आयन क्या करता है, एक दूसरा चैनल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसके थ्रू सोडियम जो है बाहर निकल जाता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज रह जाता है वो इंटेस्टाइन की बेसल मेम्ब्रेन को, मतलब नीचे वाली मेम्ब्रेन पर एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल होता है जिसका नाम होता है ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, उसके थ्रू उस ल्यूमेन से या उस ड्यूडनम से बाहर आता है, उस ड्यूडनल कैविटी से बाहर आता है और किसके पास जाता है, ब्लड वेसल के पास। अब ब्लड वेसल के पास ये कैसे पहुंचता है, आफ्टर रीचेस इन द ब्लड स्ट्रीम दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज इन एनर्जी प्रोडक्शन टू सपोर्ट वेरियस मसल एक्टिविटीज। जब ये ब्लड वेसल में चला जाता है, मीन ब्लड में घुल जाता है जाके ये ग्लूकोज, फिर ये जाता है फर्दर जो सेलुलर एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके उसकी प्रोसेस के लिए जाता है और वहाँ पर जाकर ये एटीपी क्रिएट करता है या एटीपी का प्रोडक्शन करता है जिसके थ्रू मसल एक्टिविटीज़ को एनर्जी मिलती है। अब थर्ड चीज़ क्या है इसमें, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज क्या होता है कि मान लीजिए हर वक्त तो आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते नहीं, कभी कभी बॉडी रेस्ट मोड में भी होती है, तो उस जगह पर क्या होता है, व्हेन द एनर्जी टू सपोर्ट वेरियस फंक्शन इज इनफ द एक्सेस ऑफ इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द मॉलिक्यूल एंड लिवर। जो ये शुगर मॉलिक्यूल होता है जब यूज नहीं हो पाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी सेलुलर एक्टिविटी के लिए, तो ये स्टोर हो जाता है। स्टोर कहाँ हो जाता है, आपकी मसल्स में या सेल्स में, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। याद रखिएगा ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है, जो ग्लाइकोजन होता है ये स्टोर कर लेता है खुद को आगे फर्दर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। द ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, और नीचे मैंने लिखा भी हुआ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। जो ये ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज फॉर्म होती है और एक तरह का मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड होता है। देयर फोर द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसा अभी हमने जाना कि जब यूज नहीं होता है तो एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वेन द बॉडी सेल्स आर फुल विद द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन देन कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज फैट। अब ये कुछ घंटों के लिए या ये कह सकते हैं कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही स्टोर होता है, अगर ये तब तक यूज नहीं होता है बॉडी की एक्टिविटीज में तो ये फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में ही स्टोर हो जाता है। आई थिंक कि आप लोग को ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे समझ में आया होगा, और जो जो हमने पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।